आरबीआई ने देश के चुनिंदा शहरों के लिए ई रूपीज यानी कि डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। आखिर ये डिजिटल करेंसी है क्या? इस डिजिटल करेंसी को ई रुपया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रुपया कहा जा रहा है और इसे देश के अनेक शहरों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग बैंचों में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरुआत उसकी कर दी है। आखिर ये डिजिटल करेंसी है क्या और इस डिजिटल करेंसी को ई रुपया क्यों कहा जा रहा है, और साथ ही साथ हम आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि ये ई रुपया यानी कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी और अलग अलग डिजिटल लेन देन से कैसे अलग है और क्या आने वाले दिनों में भारत में डिजिटल जो करेंसी है यह कागज़ या सिक्के के मुद्रा के चलन को समाप्त करने की दिशा में एक कदम है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चुनिंदा बैंकों के जरिए डिजिटल करेंसी की शुरुआत कर दी है। इसमें ICICI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ चुनिंदा बैंकों को चुना गया है जिसके ब्रांचेस के जरिए ई करेंसी लोगों को उपलब्ध हो। करेंसी को CBDC सेंट्रल बैंक इशूड डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है। आखिर इस करेंसी का इस्तेमाल कैसे होगा, इसकी चर्चा हम आपको करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बताएँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस लेन देन की पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखेगा और इसके ज़रिए आप कोई भी लेन देन कर सकते हैं। आज भी आप डिजिटली फॉर्म में लेन देन करते हैं, आप अपने मोबाइल के द्वारा अपने अकाउंट से लिंक हैं और UPI के ज़रिए या किसी दूसरे ऐप के ज़रिए आप अपने मित्र को या सगे संबंधी को अपनी इच्छा के अनुसार रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन इस डिजिटल करेंसी की खास बात यह है कि आपको उसके लिए इंटरनेट से जुड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप ऑफलाइन भी हैं तो आप अपने मोबाइल के QR कोड से दूसरे के मोबाइल के QR कोड के ज़रिए आप उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम रुपए को या सिक्के को अपनी जेब में रखते हैं, लेकिन यह याद रखिए कि आप अपनी पूरे पैसे को यानी कि जो अकाउंट में मान लीजिए कि 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए आप अपनी जेब में बराबर लिए नहीं चलते हैं, तो एक सीमित सीमा तक आप अपने मोबाइल में उस करेंसी को रख सकते हैं और बाज़ार से जा करके उसे ख़रीदारी कर सकते हैं और उसके बदले में जैसे पेटीएम से करते हैं या इस तरह के अलग अलग ऐप से करते हैं उसी तरह से इस करेंसी को आप दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र करके चीज़ों की ख़रीदारी कर सकते हैं। इस डिजिटल करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ERUPI इसको नाम दिया है और इसका जो फंक्शन है इसको जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम क्रिप्टो करेंसी या किसी भी डिजिटल फॉर्म में जो करेंसी है उसको समझ लें। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है उसमें बुनियादी फ़र्क है उस पर नियंत्रण का। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन में क्या है कि कुछ प्राइवेट पार्टनर्स प्राइवेट एजेंसी अपने स्तर पे पैसों का यानी कि मुद्रा का लेन देन करती हैं। इसे किसी सरकारी एजेंसी की मान्यता प्राप्त नहीं है और भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात के लिए बार बार ये कहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी को स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल करेंसी यानी कि ERUPI जारी किया है उस ERUPI की खास बात यह है कि वह उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वीकृति प्रदान की है। एक तरह से अब ऐसे आप कह सकते हैं कि आप ERUPI के द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी वैधता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त है। क्रिप्टो करेंसी में जैसे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन जैसी अन्य मुद्राएं प्रचलन में है, लगभग 20 मुद्राएं प्रचलन में है, तो उसको सरकार के किसी एजेंसी के द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है। तो एक तरह से जो बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी देश में है उस क्रिप्टो करेंसी को काउंटर करने की दिशा में ये एक कदम है जिससे क्रिप्टो करेंसी की वैधता को स्वीकार करने के बजाय जो ERUPI है यानी कि इंडियन डिजिटल करेंसी है उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इस डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पे अगर किसी से भी कोई भी लेन देन आप करते हैं तो सीधे तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे मॉनिटर करेगा, उसका तमाम रिकॉर्ड वो अपने पास रखेगा। और ERUPI की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसमें हर डिनोमिनेशन के रुपये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं।